गली में अचानक से पथराव होने लगा, छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, तो लेके घर के अंदर हो गई, गेट बंद कर लिया कि गली में है शोर शराबा, जो इनसे बराबरी करेंगे लड़ेंगे वो लड़ेंगे, ना तो अपने आप निकल जाएंगे गली से। हमने अपने बच्चों को उतारने की कोशिश की मैम, नहीं कुछ दिखा तो शॉल में चुन्नियों में बच्चों को बांध बांध के दो मंजिल से नीचे लटका दिए, सोच के कि शायद हाँ इसी शॉल से मैंने अपने बच्चे इस सोच से लटका दिए कि दो चांस मिल रहे हैं, हो मर भी सकते थे बच्चे, दो मंजिल से बच्चों को उतारना, छोटे छोटे बच्चे ये था और एक लड़की छोटी है 4 महीने की, ये सोच के उतार दिए कि शायद बच भी सकते हैं मर भी सकते हैं, अगर इसमें रही तो मरना ही है, लेकिन यहाँ दो चांस मिल रहे थे मुझे कि बच भी सकते हो और मर भी सकते हैं, इस चक्कर में मैंने अपने बच्चों को बड़ा मुश्किल से। फिर दूसरे मकान में जाके मैंने 3 बजे से 5 बजे तक उनके घर रुके, फिर ये सलमान भाई और रिजवान भाई ने जाकर, और फोर्स वोर्स कोई भी नहीं काम कर रही थी, कोई भी नहीं आया, काफ़ी 100 नंबर पर कॉल करी, बस एड्रेस पूछ रहे थे, उसके आगे कोई कदम नहीं बढ़ा, और मैम सब कुछ जल गया, सारे अरमान, बच्चों के सपने, पढ़ाई लिखाई सब कुछ जल गया, छोटे छोटे बच्चों के बैग कॉपियाँ सब कुछ जल गई, एक भी चीज़ घर में ऐसी नहीं बची, तो जाके अपने बच्चों को तन डाक लूँ। मन में मेरे जो था, मैं ये नहीं समझ रही थी कि इतना लंबा हादसा हो जाएगा, मैं तो ये समझ रही थी मैम कि ये लोग हैं पथराव पथराव, जैसे सुनवाई में आती थी कि जाफराबाद में हो गया, शीलमपुर में पथराव हो गया, मौजपुर में पथराव हो गया, मैं ये समझती थी कि यहाँ पे भी बाहरी है, ये पता नहीं कौन लोग हैं, पथराव पथराव करेंगे, अपने घरों में बढ़ जाती हूँ और ये कुछ देर बाद शांत हो जाएंगे, पर हमारे यहाँ का दंगा शांत नहीं हुआ मैम, 48 घंटे तक बराबर दंगा चला। जी हमारा नाम शहाना है, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैम हमने बहुत सारे कोर्स भी किए थे और नर्सरी क्लास से पढ़ाई की, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठे करेंगे, अब जब घर में आग लगा थी एक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा वहाँ तो क्या करेंगे जाके हम, और सरकार से हमारी ये अपील है, हमें यहाँ बैठे तो हैं हम अपने अपने घर छोड़ के, बस हमें हमारे घर तक तो पहुँचा दें, इतने दिन से यहाँ आए हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, हमने कभी अपने घर नहीं छोड़े किसी ने, ऐसा लग रहा पता नहीं अब मेरे साथ क्या हुआ है, एकदम कहते हैं ना चीज मतलब बाढ़ आ जाती है एक तरीके से, वैसे हमारे साथ सबके साथ हुआ है, रात हमारे साथ एकदम हुआ है सब कुछ, जब हमने यहाँ पर आए हैं तो ऐसा लग रहा पता नहीं हम तुम्हारी रात में अगले दिन भी नींद नहीं पूरी हुई कि हमारे साथ यहाँ पर भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, जब वहाँ से निकाल दिए गए हम, ऐसा लग रहा पता नहीं हमारे कब हमारे घर हमको मिलेंगे वापस मैम, हमारी सरकार से ये अपील है मतलब हम एक एक डॉक्यूमेंट्स जुटा लेंगे कहाँ से, अब आपको पता कोई भी कोर्स करते कितने भाग दौड़ करने पड़ती है ना मैम, तो मैंने तो EMT कोर्स भी कर रखे हैं और पढ़ाई भी कर रखी है, और कहाँ से जब CBSE बोर्ड के लिए कहीं भी जाओगे एकदम नहीं मिलता ना, अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगी जाके डॉक्यूमेंट्स, जी हमारी चाची वगैरह इन्होंने अपने जन्मपत्री वगैरह जैसे बनाते कितना टाइम लगता है, एकदम नहीं बनती, कितने सारे प्रूफ मांगते हमारे पास, तो अब कुछ नहीं है कहाँ से बनवा लेंगे हम सब कुछ, अगर आधार कार्ड भी देखने के लिए कह देंगे तो कैसे दिखा लेंगे, आपको अपने कागज का बहुत डर लग रहा है ना, क्योंकि बहुत क्योंकि CAA ये है उसमें तो यही कह रहे थे ना मतलब दिखाया जाएगा डॉक्यूमेंट, पर हमें हमारा तो डॉक्यूमेंट्स ही जला दिए तो हम कहाँ से दिखा देंगे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, पर डर बहुत है मतलब वो बैठ गया, अभी भी कहीं धम होती है ना तो ऐसा लगता है वही हमारे गेट में जब घुसे थे ना ऐसा लगता है बिल्कुल डर गए हम लोग। देखिए यहाँ तकरीबन 10 परिवार हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं जिनके घरों को नुकसानात हो गए हैं, जिन लोगों के मतलब घरों को जला दिया गया है, जो वहाँ से छोड़ करके अपनी जान बचा करके आए हैं वो यहाँ रह रहे हैं। पुलिस का ये है कि देखिए पुलिस को थोड़ा जल्दी अगर एक्शन ले लेती तो शायद इतना नहीं बढ़ता, ये मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कई लोग हैं हमारे पास जिन्होंने पुलिस को कॉल किया, तो अगर पुलिस थोड़ा सा उस टाइम ध्यान दे लेती तो शायद इतना नहीं बढ़ती ये बात। मैं शिवहार में रहती हूँ, फेज 7 में, गली नंबर 18 में, और मैम हमारे घर में भी जैसे मतलब लूटपाट हुई है मैम, सब कुछ लूट चुका है हमारा, और हमारी मैम नीचे बेकरी है पापे की, उसमें हमारे 85,000 का माल था वो सारा लूट चुका है, और मैम हम 12th क्लास में है मैम, हमारा कल हिस्ट्री का पेपर है CBSE, तो मैम हमारी कुछ हेल्प है क्या इसकी?
मेरा मेरा घर की बर्बादी कर दी, बिल्कुल राख कर दिया मेरा घर। कम आज मैं मंगी में पकड़ पाएंगी, दूसरों को मुझे पता है।